विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज में डॉक्टर कालीप्रसाद सिंह जी का आविर्भाव होना एक सौभाग्य की बात है। वो इस पिछड़े हुआ समाज का पृष्ठधारी और बाद में जाकर डिलीट उपाधि भी पाया था, इसलिए उन्हीं को लेकर ये समाज गर्व महसूस करता है। उन्होंने भारत का विख्यात भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का संस्पर्श में जाकर ये महान काम किया। हम लोग के लिए एक गौरव का बात। इतना कम समय में डॉक्टर कालीप्रसाद सिंह जी का बारे में संभव नहीं, तब भी मैं जितना हो सके उन्हीं का बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों स्वागत है कला मंदिर डिजिटल आर्काइव पर। मैं सुमार सिंह हूँ, आप लोगों सभी को स्वागत करता हूँ। सिलचर शहर का निकटवर्ती गांव कचुदरम में उन्हीं का जन्म हुआ था। पिता अजा बाबाई सेना सिंह और माता इमागो देवी। सिलचर पब्लिक हाई स्कूल से क्लेस पाकर उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद सिलचर का गुरुचरण कॉलेज से संस्कृत ऑनर्स लेकर फर्स्ट क्लास पाकर बीए पास किया था। उसका बाद कलकत्ता का जादवपुर विश्वविद्यालय से कृतित्व के साथ पूरा कला विभाग में प्रथम होकर एमए पास किया। बाद में जाकर ए स्टडी इन द विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज, उसी का ऊपर एक मूल्यवान लेकर पीएचडी डिग्री लाभ किया था। उन्होंने जिंदगी भर अविवाहित रहकर देश तथा समाज के लिए बहुत काम किया है। उनमें ज्यादा करके साहित्य संस्कृति और शिल्पकला आदि में दिखाई देते हैं। दर्शन शास्त्र का ऊपर उन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक के नाम जैसा एक न्याय दर्शन विमर्श संस्कृत में, दो शंकर वेदांत तत्व मीमांसा संस्कृत में, तीन शंकर वेदांत ज्ञान मीमांसा वो भी संस्कृत में, और चार नंबर में निरात्मय भेद द बुद्धिस्ट थियोरी ऑफ नॉट सेल्फ आदि सब मिलकर 14 पुस्तक उन्होंने लिखा है। विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा में लिखा हुआ उन्हीं का पुस्तक को हम लोग पांच भाग में भाग किया जा सकता है। वो है एक सकीय साहित्य, उसमें गान कविता आदि, दो भाषा तत्व साहित्य कृष्टि समाज का विषय, तीन जीवनी ग्रंथ, चार दूसरे का रचना संकलन और अंत में विविधा। सकीय साहित्य का अंदर में कविता माला यानी ज्ञान माला तीन भाग, कीर्तन माला और गौण रचना आदि। भाषा तत्व साहित्य कृष्टि समाज विषय पर लिखा हुआ एक पुस्तक जैसा एक मणिपुरी लैंग्वेज, दो द विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, तीन एन एथोमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ विष्णुप्रिया मणिपुरी, चार विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा तत्व रूपरेखा, पांच विष्णुप्रिया मणिपुरी व्याकरण, छह प्रबंध मालिष्ट सब मिलाकर 6 खंडों, सात विष्णुप्रिया मणिपुरी 2 शताब्दी और अंत में जाके लज्जा नामक एक पुस्तक आदि। उन्होंने लिखा जीवनी ग्रंथ का कुछ नाम जैसा एक श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर, दो महाजुगी आतोई बाबा, तीन श्री गोकुलानंद गीतिस्वामी, चार गुरु विपिन सिंह, पांच संगीत गुरु पंडित मोतीलाल सिंह, छह शहीद सुदर्शना सिंह, सात विष्णुप्रिया मणिपुरी दिग्पाल, वो पुस्तक में भी उन्होंने करीबन 8-10 महान जनों का रचना लिखा है, और अंत में उन्हीं का जीवन पर लिखा हुआ और दो किताब।
उन्हीं का प्रतिष्ठित अजय बाबाई सेना प्रकाशनी का माध्यम में उन्होंने खुद का पुस्तक प्रकाश के अलावा दूसरे का पुस्तक भी प्रकाश किया है। उनमें कुछ पुस्तक जैसा रुबाइत ई उमर खयाम, डिगल अथल्लो मोरे, ये दोनों पुस्तक का लेखक है धनंजय राजकुमार जी। दूसरा मिकुपर चेरी फूल सालोय मुंगेदे, लेखक अनिल कुमार सिंह। सेंसास जरासंध, लेखक इंद्र कुमार सिंह। अपराजिता, लेखक विमल सिंह। कनक मातो अजा बाबुलुक, लेखक श्यामानंद सिंह। काव्यमय एरे रातिहान, लेखक अभय कुमार सिंह। कुत्तल, लेखिका बीनापानी सिंह। उसके अलावा बच्चे के लिए मतलब शोर कविता गीतेश सामीरेला, श्रुति कुमार और छोटो गल्पो आदि बहुत जनप्रिय हुआ। उन्हीं का अन्य विभाग पर लिखा हुआ पुस्तक जैसा तीन दिन और बांग्लादेश भ्रमण, टू द मैतीस एंड द विष्णुप्रिया और पत्रावली आदि। उसके अलावा उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिका मैगजीन आदि में लेख प्रबंध समालोचना आदि बहुत लिखा है। साहित्य के अलावा उन्होंने सुंदर भावपूर्ण गाना लिखकर उसी गाने से कुछ ऑडियो कैसेट भी बनाकर निकाला। आज तक निकला हुआ विष्णुप्रिया मणिपुरी पत्रिका में फागु और प्रतिश्रुति का उन्होंने बहुत महत्व दिया था। उन्हीं का शिक्षकता जीवन पहले कछार कॉलेज से शुरू करके बाद में गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय सिलचर और त्रिपुरा विश्वविद्यालय में जाकर खत्म हुआ था। जीवन का अंत में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। उन्हीं का समाज तथा साहित्य के प्रति कितना और लगाव और प्रेम था, वो एक छोटा सा किस्सा देकर बताना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक मैगजीन का संपादकीय दायित्व लेकर उन्हीं लेख मांगा। समय का पहले वो लेख मेरा पास आकर पहुंच गया। मैं देखकर हैरान रह गया, इतना व्यस्त आदमी ये काम कैसा कर पाया। बाद में मालूम पड़ा इस विषय में वो बहुत पंचुअल है। उसी लेख के लिए मैंने एक छोटा सा चेक भेजा। कुछ दिन बाद वो चेक एक चिट्ठी के साथ वापस आया। पहले मैं डर गया था, बाद में वो चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ। उन्होंने लिखा, सुनील तुम्हारा ये चेक देखकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि तुम इस विषय पर प्रोफेशनल हो। मैं खुशी होकर फिर ये चेक तुमको भेज रहा हूँ। तुम इस रुपया को साहित्य का काम में प्रयोग करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ है। आदमी को मेरा सत्सत प्रणाम। तो दोस्तों, तो यही आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अंत तक मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी को।